कानपुर नगर के संत समाज एवं पदाधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी कानपुर को ज्ञापन देकर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत एवं संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर एवं भगवान शिव की तस्वीर अपमानजनक स्थिति में दिखाना एवं कई धार्मिक चित्रों की तस्वीर दिखाना कहीं न कहीं अशोभनीय है। दूसरी ओर ऐसे बयानों से भारत भर तथा नगर के संत समाज एवं सनातनी अनुयायियों को ठेस पहुंची है। जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया के मुताबिक राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है वह निश्चित तौर से काफी निंदनीय है और राहुल गांधी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से अवधेश प्रताप, बाबा ठाकुर, प्रियांशु ठाकुर, केशव सिंह सेंगर, नितिन चतुर्वेदी सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे भारत में जाता है कि गलत सनातन धर्म पे निंदा करने वाले को हम सभी सनातनी कानपुर के संत महंत उत्तर भारत के संत नहीं करने। जय श्री राम। आज आप ज्ञापन देने आए हैं, किस विषय पर आपने ज्ञापन दिया? आज जो राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी हिंदू समाज सर्व हिंदू समाज पे की थी उससे संतजन, भक्तजन और सर्वजन बहुत व्यथित और परेशान है। इसलिए उनका घोर विरोध करने के लिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी ज्ञापन देने आए और ये भी संत समाज की मांग है, सर्व समाज की मांग है, अगर राहुल गांधी अपने दिए हुए वक्त पर माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के किसी मंदिर में उनका प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए संत समाज अभी तो यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है, अभी हमारा फोन अयोध्या से भी आया था, परसों अयोध्या भी जा रहे हैं, वहाँ के संत समाज बैठक कर रहा है, धीरे धीरे हम पूरे चित्रकूट जाएंगे, वृंदावन मथुरा जाएंगे, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह फोन हमारे पास आ रहा है। जब से हमने डाला है सोशल मीडिया पे सब ने कहा आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी आंदोलन चलाएंगे। ये आंदोलन कानपुर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाने वाला है और जानकारी अध्यक्ष जी देंगे हमारे जी। आज हम सभी लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और ये विनम्र आग्रह किया है कि राहुल गांधी की संसद से मेंबरशिप खत्म की जाए। उन्होंने अरबों अरबों हिंदुओं को अपमानित करने वाला और गहरा आघात पहुंचाने वाला जो वक्तव्य दिया है जो अत्यंत अशोभनीय है, अमान्य है, अपूज्य है, असंवैधानिक है और अशास्त्रीय अपौराणिक है, इसे बहुत हम सभी लोग आहत हुए हैं। उनको तत्काल इस बयान को वापस लेते हुए माफी मांगना चाहिए, अन्यथा हम सभी लोग उनको किसी भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं देंगे, चाहे ये हमारा संकल्प है। और हम बता के रहेंगे कि हिंदू तो हिंसक था नहीं, मगर तुम्हारे ऐसे झूठों की अगर हिंसा को अगर अख्तियार करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा तो करेंगे, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा ही बचा। अगर धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो मान्य है शास्त्रों में। ऐसा कहा गया है कि जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर बीजेपी कोशिश कर रही है। हम लोग क्या बेवकूफ है, क्या टीवी नहीं देखते क्या? हम लोग लाइव टीवी देख रहे थे और उसमें कहा कि हिंदू हिंसा का, जब माननीय मोदी जी बोलना शुरू किए तब उसने कहा नहीं 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 भाजपा का है, भाजपा का है। हम लोग भाजपा के प्रतिनिधि नहीं, हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, हम लोग हिंदुत्व की बात करने वाले हैं और हिंदुत्व पूरी दुनिया में सौहार्द, प्रेम, करुणा, मैत्री, दया की बात करता है। हिंदुत्व हमेशा चाहता है अहिंसा परमो धर्मा, परम धर्म मानता है और संसार के मंगल की कामना करता है। पूरे दुनिया में घूम घूम के यही चाहता है कि धर्म की जय हो और धर्म कभी यहाँ व्याप्त न हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो, ये तो भावना है, रात दिन यही चाहता है हिंदू। इसलिए हिंदू क्या वो एक धूर्त व्यक्ति है, उसको बाबा कहना, उसको संत कहना, सत्संग कहना, ये बहुत गलत है। एक धूर्त व्यक्ति के द्वारा वहाँ एक पाखंड का दुकान खोला गया और जिसको प्रकृति दंड दिया है, प्रकृति ही उसको दंडित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हम आग्रह करते हैं कि ऐसे धूर्तों को चिन्हित करके जो टाई कोट पैंट पहनते हैं, चमड़े का जूता पहन के मंच पर बैठते हैं और जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं हम सनातनी नहीं है, जो अलग से कहते हैं हम धर्म चलाएंगे, जो चंद धन के लिए और लोगों की भावनाओं को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के धंधेबाज हैं ये कोई संत है न परंपरा है, न ज्ञान है, न शास्त्रों का, न पुराणों का, वो सत्संग में वो केवल लूट की दुकान थी, पाखंड का एक बहुत बड़ा वहाँ फैक्ट्री खोली गई। अखिल भारतीय छत्तीस महासभा का जिला अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया आज की चीज को लेकर ज्ञापन देंगे। आज राजीव गांधी के खिलाफ ज्ञापन देने आए थे, जो राहुल गांधी के खिलाफ भी ज्ञापन देने आए थे, जो संसद में अभद्र टिप्पणी की है हिंदू समाज के लिए और पूरा हिंदू समाज पूरे भारत देश का और संत समाज भी साथ में बहुत नाराज है और आक्रोशित भी है
और उस उनसे मांग की जा रही है कि इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ सार्वजनिक माफी मांगे देश से, हिंदू समाज से पूरे यदि माफी नहीं मांगते हैं तो राष्ट्रपति जी से आग्रह किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि इनकी संसद सदस्यता भंग की जाए और इनको उचित कार्रवाई करके इनको दंडित किया जाए।